हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम हेल्प लॉगर स्टडी चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ग्राउंड्स, यानी कि वो तरीके, यानी कि वो पॉइंट्स, जब आप एज अ कंज्यूमर अगर आप पाएं कि आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से गुजरना पड़ा है, यानी कि आपको जरूरत पड़ी है कंज्यूमर अदालत की, यानी कि कंज्यूमर कोर्ट्स की अगर आपको जरूरत पड़ी है, तो आप इन कौन से वो केसेस होंगे जिसमें आप कंज्यूमर कोर्ट को जा सकते हैं और वहां पर स्विच कर सकते हैं। तो ये कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पर आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये कहता है कि ये वो ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर आप जा सकते हैं उपभोक्ता अदालत में। तो पहला क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती क्या है। देखिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस उन प्रैक्टिसेस को कहा जाता है, उन तरीकों को कहा जाता है जिनके द्वारा एक प्रोड्यूसर या फिर एक सप्लायर क्या कोशिश करता है, आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है और उस रॉन्ग इंफॉर्मेशन के साथ उसका मकसद क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो अर्न करना चाहता है और आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन वो दे देता है इसके तहत, तो क्या हो जाती है, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो जाती है। यानी कि वो उसमें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट भी आ सकती है, यानी कि तमाम ऐसे तरीके आ सकते हैं जिसमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन देकर आपको एज अ कंज्यूमर लूट लिया गया है, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो जाती हैं। यदि आपके साथ, आपको ऐसा लगे कि आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं कहां पर, कंज्यूमर कोर्ट में जाकर। अब देख लेते हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस किसे कहा जाता है। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें कंडीशन लगाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा आप कोई बाइक लेने गए, ठीक है, और बाइक का वहां पर डीलर आपसे कहता है कि जी हम आपको बाइक ना ये तभी देंगे जब आप साथ में इसके 5,000 रुपए का हम आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर आपको इंश्योरेंस लेना ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा हम बाइक आपको नहीं दे सकते। जैसे कि कई सारे बैंक्स ऐसे भी होते हैं जहां पर हम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको हम फैसिलिटीज कुछ दे रहे हैं, वो क्या फैसिलिटीज के नाम पर क्या बोलते हैं, वहां पर एक कंडीशन लगा देते हैं कि आपको अगर यहां पर बैंक में खाता खुलवाना है, अकाउंट खुलवाना है, तो यहां पर आपका 1,000 रुपए में खाता खुल जाएगा, बट आपको इसके साथ एक 1,000 रुपए वाला, यानी कि 1,000 रुपए सालाना पर एनम का एक इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। अब अगर मेरी इच्छा नहीं है इंश्योरेंस लेने की, तो क्या मैं जबरदस्ती वहां पर इंश्योरेंस लूं, तो ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आ जाता है जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर अगर ऐसा पाया जाए, ये फर्स्ट पॉइंट यही बोलता है कि यदि एक कंज्यूमर को ऐसा पाया जाए कि उसके साथ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही है या फिर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही है, तो वहां पर वो बिल्कुल कहां जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर डिफेक्टिव गुड्स की। डिफेक्टिव गुड्स क्या होते हैं, डिफेक्टिव गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें किसी भी तरीके का डिफेक्ट अगर प्रोड्यूसर के द्वारा, सेलर के द्वारा आपको दे दिया जाता है। तो अगर आपको पाया जाए कि आपके साथ भी कोई डिफेक्टिव गुड्स आपने परचेस कर लिया है और जिसके बारे में सेलर को पूरी जानकारी थी बट उसने नहीं बताया और आपको जानबूझकर वो गुड्स जो है वो सप्लाई कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, डेफिशिएंसी यानी कि आपको कोई भी सर्विसेज, कोई भी सुविधा देने में किसी भी प्रकार की देरी कर दी, डिले कर दिया, है ना। फॉर एग्जांपल, आपने लोन के लिए अप्लाई किया और लोन देने में, लोन आप तक आने में उसने देरी कर दी, ठीक है ना। जो भी आपको इंस्टीट्यूशन लोन दे रहा है उसने लोन देने में आपको देरी कर दी, बट उसने जो इंटरेस्ट चार्ज किया वो तब से चार्ज किया जब से आपने लोन के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया था, ठीक है। मान लीजिए कि लोन का अमाउंट आपके पास 2 महीने बाद आया, 2 months later आया, ठीक है, और वो उन 2 महीने का भी क्या चार्ज कर रहा है, वहां पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज में भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि उसने आपको सर्विसेज देने में डिले कर दिया। और तमाम तरीके की जितनी भी ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें वो डिले कर देते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है, किसी भी तरीके का पूरा गुड्स नहीं देते हैं आपको, तो वहां पर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप यहां पर एडवांटेजेस ले सकते हैं एज अ कंज्यूमर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस, यानी कि एक्सेसिव प्राइस अगर चार्ज किया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सभी प्रोडक्ट्स पे लिखा रहता है एमआरपी, यदि किसी ने एमआरपी से ज्यादा प्राइस अगर चार्ज किया तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप कंप्लेंट वहां पर करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई ऑफ हैजार्डियस गुड्स। देखिए हैजार्डियस गुड्स क्या होते हैं, जिससे कि आपको लाइफ का खतरा होता है, जिससे आपको अपनी प्रॉपर्टी का खतरा होता है, या फिर जिससे कि आपको अपनी किसी भी प्रकार का अन्य खतरा होता है जो कि आपको फिजिकली डैमेज कर सकते हैं,
तो हैजार्डियस जो गुड्स होते हैं, यानी कि जो हानिकारक कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, उसकी जो सप्लाई अगर प्रोड्यूसर कर रहा है, सेलर अगर कर रहा है, तो उसको क्या, उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ आपको दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लिया है, कोई भी इलेक्ट्रिकल आपने अप्लायंस लिया है, और उस पर अगर सेलर ने या फिर प्रोड्यूसर ने उस पर अगर प्रॉपर तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी आपको कि इसको किस तरीके से आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन लेकर आते हैं, तो आपने देखा होगा फ़ोन के ऊपर या फिर चार्जर के ऊपर लिखा रहता है कि आपको इसको मैक्सिमम कितना चार्ज करना है। अगर आप उसको एक्सेस में चार्ज करेंगे, मान लीजिए 3 आवर्स लिखा है उसका, अगर आपको उसको 3 आवर्स से ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो ये जो तरीके हैं, ये प्रोड्यूसर को यहाँ पर मैंशन करने चाहिए। अगर मैंशन नहीं होते हैं तो क्या होता है, तो कंज्यूमर को वहां पर हानि हो सकती है, उसको फिजिकली हानि हो सकती है, शारीरिक हानि हो सकती है, और ज्यादा प्रॉपर्टी की भी हानि हो सकती है। तो इसीलिए जो प्रोड्यूसर है, सेलर है, उसका यहाँ पे पूरा कर्तव्य बनता है कि वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे प्रोडक्ट के बारे में। जैसे आप सभी प्रोडक्ट्स पे देखेंगे, जो भी थोड़े खतरनाक प्रोडक्ट्स हैं आप देखेंगे, उन पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, उस पे सावधानी का एक अलग से कॉलम होता है, वो पूरा लिखा रहता है कि आपको इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। जैसे कि प्रेशर कुकर एग्जांपल हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस ऐसे आए थे कि प्रेशर कुकर हमने न्यू लिया है और वो फट गया, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई उसने डेफिशिएंसी छोड़ दी होगी, कोई ना कोई डिफेक्ट छोड़ दिया होगा, या फिर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी कंज्यूमर को, जिसके कारण कंज्यूमर जो है वो ठीक से तरीके से यूज़ नहीं कर पाया और उसके साथ कंज्यूमर को हानि उठानी पड़ी। तो ऐसे तरह के लॉस के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं प्रोड्यूसर की या फिर सेलर की, कहां पर, कंज्यूमर कोर्ट में। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि 3 टायर वो कौन कौन से हैं और कहां कहां आप जाएंगे, कहां कहां एज अ कंज्यूमर आप अपनी कंप्लेंट को लॉज करवा सकते हैं, और साथ ही हम ये सीखेंगे कंज्यूमर के कौन कौन से वो राइट्स हैं, कौन से वो 6 प्रकार के राइट्स हैं, वो सारे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स। हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं हैं, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोज़ को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोज़ को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या अगर आप नए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोज बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।